वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में बात करेंगे CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग के अपकमिंग मुकाबले की, जो होने वाला है मैच नंबर 19 ही होने वाला है और ये खेला जाने वाला है 19 सितंबर को। कल के दिन ये मुकाबला खेला जाएगा, मैच नंबर 19 सितंबर को खेला जाएगा सुबह 4:30 बजे से। क्या होने वाली है इस मैच की प्रेडिक्शन? गुयाना अमेजोन वॉरियर वर्सेस ट्रिवागो नाइट राइडर, कौन जीतेगा ये मैच, क्या होगी इस मैच की टॉस प्रेडिक्शन, क्या होगी इस मैच की मैच प्रेडिक्शन, प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, किस ग्राउंड पे ये मैच खेला जाने वाला है, जब जब दोनों टीमें आमने सामने आई हैं तब कौन किस पे कितनी बार पड़ा है भारी, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अभी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। 9389755492 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, अपने लॉसेस को कवर करना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस नंबर पर व्हाट्सअप पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पर ही हर एक मैच का लाइव प्रेडिक्शन दिया जाता है, रनिंग मैच चल रहा होता है, रनिंग मैच की कंडीशंस के अकॉर्डिंग लाइव अपडेट दिया जाता है ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हम प्लेइंग 11 की। ट्रिवागो की प्लेइंग 11 में आपको जैसन रॉय, सुनील नरेन, निकलस पूरन, शकीर पेरिस, कैकी कार्टी, कारन पोलार्ड, एंड्रे गॉस, अकिल हुसैन, बकार सकमेल, टेरेंस हिंट्स और जेडन सेल्स मिलने वाले हैं। बॉलिंग में कोई एक चेंजेस होने को हो सकता है, अगर जेडन सेल्स की जगह किसी और को खिलाया जाए तो खिलाया जा सकता है, अदरवाइज सेम प्लेइंग 11 होने वाली है। गुयाना की बात करें, आजम खान ओपन करें किया था लास्ट मैच में, हो सकता है ओपन करें क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज इंटरनेशनल ड्यूटी पे जा चुके हैं, अपने इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं। टिम रॉबिनसन, सेहोप, सिमरन हेटमायर, मोइन अली, कीमो पॉल, रेमन रैफर, ड्वेन प्रेटेरियस, गुदाकिस मोती, केविन सिंक्लेयर और समर जोसफ। इमरान ताहिर भी नहीं है, तो जो कैप्टनसी कर रहे हैं वो से होप कर रहा है, इस टीम की जो कैप्टनसी करेंगे वो से होप करेंगे, इस टीम की कैप्टनसी तो कारन पोलार्ड कर ही रहा है। तो देखा जाए तो दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज के टॉप ऑर्डर से जाने से टॉप ऑर्डर जरूर लड़खड़ाया है गुयाना का, जिसका इफेक्ट लास्ट मैच में देखने को मिला, लास्ट मैच गुयाना अपना हार के आई है। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग दोनों ही टीमों की ऑलमोस्ट सेम नजर आ रही है, लेकिन बैटिंग में डेप्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रिवागो की जो बैटिंग है वो इनफॉर्म है और बैटिंग में डेप्थ भी है। चलिए बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। मैच खेला जाएगा क्वींस पार्क ओवल त्रिनाड में, जो कि ट्रिवागो का होम ग्राउंड कहलाता है। 52 मैचेस यहां पे खेले गए हैं, 23 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, 29 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है, यानी कि सेकंड बैट को कुछ मैचेस में एडवांटेज मिला है। 155 एवरेज स्कोर है, 223 हाईएस्ट बनाया है ट्रिवागो ने और 90 रन लोएस्ट बनाया है ट्रिवागो ने। लास्ट 10 मैच में देखा गया है कि 60 विकेट पेसर्स ने लिए हैं, 57 विकेट स्पिनर्स ने लिए, यानी कि विकेट पे पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए अच्छी हेल्प देखने को मिली है। कौन सा प्लेयर किस टीम से अच्छे रन कर सकता है, अच्छी बॉलिंग कर सकता है, टॉप बैटर टॉप बॉलर की बात करें तो सुनील नरेन, निकलस पूरन एंड सकीरे पेरिस आपको अच्छी बल्लेबाजी करते दिख सकते हैं, वहीं अकील हुसैन, बकार सकमेल, टेरेंस हिंट्स आपको अच्छी बॉलिंग करते दिखेंगे TKR की तरफ से। टिम रॉबिनसन, से होप, सिमरन हिटमायर आपको अच्छी बल्लेबाजी करते दिखेंगे गुयाना की तरफ से, गुदकिस मोती, केविन सिंक्लेयर और समर जोसफ आपको अच्छी बॉलिंग करते नजर आएंगे गुयाना की तरफ से। बात करें दोनों ही टीमों के लास्ट 10 मैचेस की परफॉर्मेंस की, तो आप देखेंगे ट्रिवागो लास्ट 10 मुकाबले जो खेली है उसमें से 7 मुकाबले जीती है, वहीं गुयाना भी लास्ट 10 मुकाबले खेली है 7 मुकाबले जीती है, यानी कि दोनों इक्वल परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही हैं। 173 ट्रिवागो का एवरेज स्कोर है तो 172 गुयाना का एवरेज स्कोर है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज स्कोर है दोनों ही टीम्स का। हाईएस्ट की बात करें 250 ट्रिवागो ने इसी सीजन लगाया है, तो 266 हाईएस्ट गुयाना ने भी इसी सीजन लगाया है, और दोनों ने एक ही टीम के अगेंस्ट लगाया था, एसटी किड्स के अगेंस्ट, ये भी एसटी किड्स के अगेंस्ट आया था और ये भी एसटी किड्स के ही अगेंस्ट आया था।
94 रन लोएस्ट स्कोर रहा है ट्रिवागो का जो कि लास्ट सीजन का है, 99 रन लोएस्ट रहा है गुयाना का जो कि लास्ट सीजन का है। दोनों टीमें 29 बार आमने सामने आएंगे। हेड टू हेड की बात करें 14 मुकाबले ट्रिवागो ने जीते हैं, तो 15 मुकाबले टाई कोई भी मुकाबला नहीं हुआ है, 15 मुकाबले गुयाना ने जीते हैं। 143 का एवरेज स्कोर है ट्रिवागो का, 145 का एवरेज स्कोर है गुयाना का, 180 हाईएस्ट बनाया है ट्रिवागो ने गुयाना के सामने, गुयाना ने 185 हाईएस्ट बनाया। लोएस्ट की बात करें तो 94 लोएस्ट है ट्रिवागो का, 99 लोएस्ट है गुयाना का। यानी कि दोनों ही टीमें ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन एक मैच की विनिंग से गुयाना कहीं ना कहीं आगे चल रही है। एवरेज स्कोर देखें, मैक्सिमम स्कोर देखें, मिनिमम स्कोर देखें, तो कुछ रन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा गुयाना में। तो कहीं ना कहीं थोड़े से मार्जिन से आप कह सकते हैं कि 48% ट्रिवागो और 52% गुयाना का ये रिजल्ट रहा है हेड टू हेड में। टॉस प्रेडिक्शन, मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो टॉस गुयाना के खाते में जा सकता है, और मैच की बात करें क्योंकि मैच टीकेआर अपने होम ग्राउंड में खेलेगी और अपने अच्छी फॉर्म में चल रही है, तो मैच जो है वो कहीं ना कहीं जा सकता है टीकेआर के, ट्रिवागो नाइट राइडर के खाते में ये मैच जा सकता है। फाइनल प्रेडिक्शन जो देंगे हम आपको, वो देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, 9389755492। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो व्हाट्सअप पे हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अगली वीडियो के।